तो ये मैं आ गया हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने। वैसे तो ब्रंच ही होगा अभी, तो देखते हैं यहाँ पे क्या खाते हैं। भूख लग रही है, सब लोग खा ही रहे हैं अभी अपना। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ही मेरे थर्ड डे है बोर्नमाउथ के अंदर, तो आज भी जाने वाला हूँ। आज ये मेरा लास्ट डे है यहाँ पे बोर्नमाउथ में। अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ। मैं अभी जाऊँगा स्वेनिश। यहाँ से शायद बस का 1 से 1.25 घंटा लगेगा। बस की जर्नी है बोर्नमाउथ से स्वेनिश। तो अभी देखो 2 मिनट में बस आने वाली है स्वेनिश वाली, तो फिर वो बस लेते हैं, फिर जाएंगे स्वेनिश। दिखाता हूँ आपको कैसा है, बने रहें साथ मेरे। तो ये मैं निकल लिया हूँ अपने सफ़र पे आज के। तो ये 1 घंटे की जर्नी है जो हमें पूरा बोर्नमाउथ भी दिखाएगी, उसके बाद जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है आज का स्वेनिश, तो वहाँ तक लेके जाएगी ये बस। देखते हैं क्या सीन। और यहाँ पे मैं कल भी आया था थोड़ा घूमने फिरने। आप ये शायद स्टॉप है कोई, चल रहे भाई। ये शायद अभी हम फिलहाल बोर्नमाउथ सिटी के अंदर हैं, जो मेन सिटी है। यहाँ पे काफ़ी पब्लिक रहती है, घर देख सकते हो आप। यहाँ पे हो गई बारिश स्टार्ट और अभी हम भीगते हुए जा रहे हैं। ये देखो आगे बोट्स हैं, देख सकते हो आप लोग। जो आप ये सामने देख रहे हो ये है एक फेरी। तो यहाँ पे क्या सीन है, जब आप बोर्नमाउथ से स्वेनिश साइड जाते हो तो एक बीच में ये रिवर है, तो इस रिवर को क्रॉस करने के लिए इन्होंने एक फेरी बनाया हुआ है जो ब्रिज का काम करता है। तो हम इसी पे अभी जा रहे हैं। ये बस यहाँ पे मतलब ये हर 10-15 मिनट में एक फेरी आती है तो ब्रिज क्रॉस करवा देती है। तो बस अभी इसी पे वेट कर रहे हैं उस पार जाने का। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक कपल फेरी के ऊपर वेट करते हुए अपने कार्ड्स खेल रहे थे मस्त मज़े में। ये बेस्ट था पार्ट। अब सब लोग अपना वेट कर रहे हैं, कोई इधर उधर देख रहा है, इन लोगों को कोई मतलब नहीं, अपने कार्ड्स खेल रहे हैं मस्त मज़े से। सो गाइस, यहाँ पे हमने स्वेनिश में एंट्री कर दी है। ये आप जो देख रहे हो व्यू, ये स्वेनिश के अंदर है। मतलब कि हम प्रॉपर अंदर नहीं गए हैं, पर स्टार्टिंग हो चुकी है स्वेनिश विलेज की। काफ़ी सुंदर विलेज है, आप देखना वीडियो में आगे। तो ये जो जगह है वो है बेंचोपिया, और ये जो सामने दिख रही है ये देखो लोग बहुत खेल रहे हैं यहाँ पे आराम से, मस्त मज़े कर रहे हैं। पर पानी यहाँ का गंदा है, थोड़ा रुका हुआ पानी है शायद इसलिए। और ये देखो पब्लिक। और अभी हम चल दिए स्टीम ट्रेन है, ये यहाँ की पुरानी ट्रेन है जो शायद 50-60 साल से भी ज्यादा पुरानी ट्रेन है ये स्टीम वाली। तो ये है भाई स्वेनिश रेलवे स्टेशन, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पुराना स्टीम इंजन। तो ये यहाँ का देख सकते हो आप पूरा, और बहुत सुंदर लग रहा है।
तो ये स्पेनिश विलेज में वॉकिंग करते हुए हैं। ये यहाँ की शॉप्स हो गई। जोरासिक कोस्ट फन ट्रेडिंग टाइप से। ये यहाँ का मार्केट हो गया। ये फूड मार्केट यहाँ की। ये स्टोन्स ज्वेलरी। ये अपने काम की चीज नहीं है वैसे तो। गाइस काफी टाइम से भूख लग रही थी तो अभी एक जगह ढूंढी है। ये कैफे है, यहाँ पे कॉफी प्लस केक्स एंड फूड सब है, तो यहाँ पे खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अभी हमारा एक टाइप से ब्रंच हो गया है यहाँ से, तो अभी हम खा के निकलते हैं वापस बोर्नमाउथ के लिए। फिर बोर्नमाउथ से हमारी रात को 8:30 बस है जो लंदन के लिए है, तो फिर वो बस लेंगे। फिर उसके बाद हमारी ये ट्रिप यहीं पे समाप्त कर देंगे। चलो आप लोग एंजॉय करो, ध्यान रखो अपना। तो ये तो और ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया यहाँ से खाने के लिए। ये एक आइसक्रीम लिए टर्किश डिलाइट, अच्छा है फ्लेवर। आप लोग कभी आओ श्वेनिस विलेज में ट्राई करना। और एक ये पीछे यहाँ पे जोरासिक कोस्ट है, बच्चों के लिए है, काफ़ी अच्छा है, पर वो लोग खेल सकते हैं यहाँ पे, एंजॉय कर सकते हैं। बीच में तो मैं मना ही करूँगा यहाँ पर ना ही आओ, बीच के लिए ही आ रहे हो तो। बीच इससे लाख गुना अच्छा बोर्नमाउथ वाला है। यहाँ का पानी थोड़ा साफ नहीं है। अगर आपको बोट वगैरह पे मजे करने हो तो यहाँ आ सकते हो बेशक आराम से। गाइस यहाँ पे ना एक टाइप से बोट रेस हो रही है। अगर आपने बागी मूवी देखी हो, बागी 1, तो उसमें रेस होती है, टाइगर श्रॉफ और एक और होता है जो बॉडी बिल्डर होता है, तो उस टाइप से यहाँ पे रेस हो रही है। देखो आप लोग काफ़ी बोट्स आ रही होंगी अभी। तो यहाँ पे अच्छा था ये व्यू, मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर आप लोग देख। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी अच्छी सी जगह के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और आपको कुछ और देखना हो यूको में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक जल्द मिलते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक्स।